शहर के चारों तरफ से रोड से घेर देवल जाला। और जब जैसे शहर के चारों तरफ से रोड से घेरे उ रोड पे चढ़ेम तो जहां से चढ़ेम गोल गोल घूम के वहां आ जाए उस शहर के विकास जोन बाटे वो 10 गुना तेज हो जाला, 10 गुना तेज। अब जैसे रक्सौल शहर बा एक सेंटर पॉइंट यहाँ बाटे, ठीक बाटे, यहाँ बाटे सेंटर पॉइंट। अगर मान लीजिए कि रक्सौल शहर से ए पार से ऊपर जाए के बाटे तो रुआ बीच में पूरा जाम झेलते हुए जाए, रिंग रोड बन जाए, यहाँ यहाँ से सीधे वो साइड चल जाए, से यहाँ यहाँ से यहाँ घुस जाए तो रिंग रोड से शहर के जाम खत्म हो जाला, पहला चीज। पहला चीज। दूसरा चीज, कोनो बड़ा अजूबा प्रोजेक्ट नहीं थे, बनारस में बन चुकल बाटे, ठीक बाटे, गोरखपुर में बन रहा रिंग रोड, गोरखपुर तो रक्सौलो में बन सकता, हम बड़ा शहर के बात नहीं कर, हम रक्सौलो में बनवा सकता नहीं। ये चीज बाटे। मुजफ्फरपुर में हाफ रिंग रोड बना था, हाफ मतलब पटना से आओ वाला और फिर से ये मोतिहारी वाला फोर लेन पे ले आके कनेक्ट कर दी और से फुल रिंग रोड हुई, तो हम वो बात कहता नहीं जो बिहारों में हो रहा बाटे, लेकिन लोग के पता नहीं कि रिंग रोड होला का, रिंग रोड से शहर के पूरा जाम खत्म हो जाला और शहर के पूरा जमीन जोन बाटे ना महंगा हो जाला, महंगा। और एगो रिंग रोड शहर में जितना रोजगार अभी रक्सौल में बाटे, रिंग रोड बन जाए तो 5 गुना रोजगार पैदा कर दूसरा सवाल रक्सौल में दुकानदार लोग बाटे बड़ा बड़ा शोरूम, लेकिन शोरूम के सामने फोर व्हीलर पार्किंग के जगह नहीं है, ठीक बा, उ लोग लेके पैसा बा, उ लोग अपन जमीन ली रिंग रोड के पास और अपन शोरूम रिंग रोड को खोल दी, मतलब एगो शहर के अंदर भी रही एगो शहर के बाहर भी रही, जो साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला रही अंदर जाके पार्किंग कर सकता वहां से सामान ले सकता वहां वहां ले ली, मतलब कि शहर के जो सबसे अमीर बा ओकर संपत्ति जोन बाटे 4 गुना 5 गुना बढ़ जाए, जे गरीब बा ओकरो संपत्ति जोन बाटे 10 गुना बढ़ जाए। काहे काहे कि रिंग रोड पे अगर 10 धूर जमीन आ गई, सिर्फ 10 धूर जोन आज के समय में अगर 5 लाख रुपया इकट्ठा बा वो 10 धूर आ जाए तो 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाए, यानी 5 लाख रुपया इकट्ठा वाला जमीन 2.5 लाख रुपया भइल 10 धूर के जाम दाम, अगर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गई तो 50 लाख रुपया दाम हो गए, तो गरीबों के भी विकास हुई अमीरों के भी विकास हुई। अब अमीर लोग के दुकान आ जाए रिंग रोड पे तो उन्हें नौकरी मिली, गरीब के लड़का के नौकरी मिली, तो एकरा के कहल जाला रिंग रोड, कोनो अजूबा चीज। हम पढ़ल लिखल बानी सिविल इंजीनियरिंग कइले बानी, हमनी के टाउन प्लानिंग में बतावल गइल बा कि किसी भी आधुनिक किसी भी शहर को अगर आधुनिक बनाना है तो उस शहर में प्राइमरी चीज है कि उसके ट्रैफिक मैनेजमेंट को कंट्रोल कीजिए, और जब तक ट्रैफिक मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक शहर आगे नहीं बढ़ेगा। तो हाउ टू मैनेज ट्रैफिक, तो ओकरा लाख कोनो भी शहर बाटे ओकरा लाख रिंग रोड बनावल जाला, और रिंग रोड जैसे बन जाए उस शहर के 90% ट्रैफिक जोन बाटे वो मैनेज हो जाए। तो हम वो बात कहता नहीं, हम कोनो हम नहीं की कहते अरे बाप रे बाप कहाँ से मनीषवा बात कह दिलक हमरा तो नेपाल के लोग कैसे खुश हुई का सुविधा दे उ लोग के भी सुविधा मिली, देखिए आवे ला लोग आए दिन यहाँ पहुँचे ला लोग मार्केटिंग करे नेपाल, देखिए बड़ी परेशानी नेपाल के लोग अगर रक्सौल आवता रक्सौल छोड़ दी आगे निकलता मोतिहारी या आगे निकलता बेतिया तो पूरा रक्सौल शहर जाम होके निकलेल ना, तो अगर इस रोडवा बन जाए तो जाम में ना फंसी। दूसरा चीज, अगर रोडवा बन जाए तो शहर के परिसीमन बढ़ जाए तो शॉपिंग वॉपिंग आराम से करी लो। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जोन रेलवे पे आज तक जोन बाटे फ्लाईओवर ना बनल, अब बनावलो गई तो एगो कॉमेडी कल गई, मोटरसाइकिल ला के चढ़ के जाइए फिर ऐसे जाइए फिर वैसे जाइए, कॉमेडी बाटे, ठीक बाटे। तो वो काम हम कम्प्लीट कराए, और जोन मेन रोड बाटे मेन रोड के बीच में जोन रक्सौल शहर में जोन मेन रोड के बीच बीच में ट्रांसफार्मर लागल बा ओकरा के तो हम 6 महीना के अंदर हटवा दे, बनते ही हटवाए ट्रांसफार्मर बनते ही हटवाए, और रक्सौल शहर के बीच पे जोन बाटे प्रॉपर जगह पे ऑड इवेन करके का करके ऑड इवेन करके पार्किंग व्यवस्था, मतलब कि एक एक दिन मतलब तारीख 1 के जोन बाटे वो साइड पार्किंग रही, तारीख 2 के जोन बाटे ये साइड पार्किंग रही, ताकि रोड पे जितना दुकानदार बाटे सब कोई के दिक्कत ना हो। ये चीज बाटे, हम कोनो अजूबा बात कहनी ऑड इवेन कहाँ कहाँ बाटे
पूना में हम आज से 15 साल पहले देखनी ऑड इवन पार्किंग व्यवस्था। मुंबई में बटे ऑड इवन पार्किंग व्यवस्था, बेंगलुरु में बटे ऑड इवन और बहुत सारा छोटा छोटा साउथ के छोटा छोटा शहर में ऑड इवन पार्किंग व्यवस्था में वो पार्किंग व्यवस्था करे में रक्सौल और बेतिया दोनों ला करे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी नहीं धोखे वाला बात कहने के ना एकदम, और सारा चीज बटे 3 साल के अंदर हो सका था, 5 साल ना लगे, 3 साल के अंदर। में 1 रुपया हमारा पॉकेट से भी ना लगे। ऐसा ना कि सांसद निधि कोष खर्च करे के पड़ी, कुछ खर्च कर ला के जरूरत है, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, आराम से काम। हम कोनो ऐसन बात ना कहें जो सब पॉसिबल नहीं के। रिंग रोड मतलब का होला है, निकाल के दी था, निकाल के था प्रिंट, एक अच्छा काम हो गया ना। बिल्कुल सही। और उस एयरपोर्ट का पता है क्या नाम रहेगा? मैंने नहीं सोचा है, हम सभी ने सोचा है। अगर अगर मेरा सोचना अगर गलत है तो आप लोग बता दीजिएगा। लौकुश का जन्म जो है चंपारण में हुआ, आप सभी को पता है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पे एयरपोर्ट बन गया, दशरथ जी के नाम पे जो है अस्पताल बन गया, राम जी का मंदिर बन गया, माँ सीता का मंदिर बनने वाला है सीतामढ़ी में। लौकुश के नाम पे कुछ नहीं है, तो एयरपोर्ट बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए, बिल्कुल। अब मैं गलत बोला हूँ ना? एकदम सही। तो इस एयरपोर्ट का नाम लौकुश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। यही तो बात है सर, नेपाल में सरस्वती जुबान रहा है लेकिन यहाँ पे बना ही नहीं जा रहा है। मैं जो भी बोलता हूँ जेल से निकलने के बाद तो मैं तो बहुत नापा तोला सोच समझ के बोलता हूँ।